ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों तो चलिए आरंभ करते हैं आज का दिन सुबह हवन के साथ, हवन की ऊर्जाएं। हवन जब हम करते हैं ना मित्रों, आसपास का पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, जिससे हमारा तन मन मस्तिष्क सब कुछ आनंद से भर जाता है और नई ऊर्जा नई चेतना का संचार हमारे भीतर होता है, जो हमें जीवन जीने की और जीवन को आनंदित से जीने की प्रेरणा देते हैं। उसी प्रेरणा के साथ हम आपको सर्वे भवंतु सुखिना की कामना लिए हवन की ऊर्जाओं को प्रेषित कर रहे हैं। ये आपके जीवन को आनंदित बनाएं, उत्साहित बनाएं और सदैव आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और हमारे वीडियो भी देखते रहें। और आज की आप सभी को सुबह की प्रणाम। और उसके बाद हम आज का भोजन आरंभ करते हैं। भोजन में हमने आज लिया केला। आज एकादशी का व्रत था, वैसे जब केला खा रही थी पता नहीं था, किंतु हाँ बाद में देखा तो पता चल गया कि आज एकादशी है, फिर व्रत ही हो गया। तो केला वैसे तो दिख रहा है नीचे से काला है, ऐसा लगता है खराब हो गया है, किंतु जब इसको छीलो तो पता चलता है कि ये जो इलायची केले हैं ना, इसको इलायची केला बोलते हैं। तो ये ऐसा होता है कि एकदम टाइट हो जाता है, गफ जाता है और ऊपर का छिलका इसका सूख जाता है, बाकी केला अंदर से एकदम अच्छा होता है। इसलिए भले ऊपर से खराब दिख रहा है पर छिलके देखिए बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार ये आज सुबह का भोजन में केला था। और केला जो है ना मित्रों, कैल्शियम से भरपूर तो होता ही है और कभी कभी हर फल खाना चाहिए। तो उसमें तुलसी का दल डाल के हमने भोग लगाया और ये आज का भोजन सुबह केला हुआ। उसके बाद मित्रों भोजन हुआ ये करीब 10 बजे। जो केला लिया था वो करीब 8 बजे के आसपास लिया था। उसके बाद गाजर का हलवा। गाजर का हलवा कैसे बनाया चलिए देख लेते हैं। घी डाला कढ़ाई में और इसमें हमने डाला काजू है, पिस्ता है, बादाम है और अखरोट है। और गाजर तो है ही, गाजर का हलवा है तो भाई। अब ये सारी चीज़ें हमने एक साथ में डाल के हमने मिक्सर में पीस लिया, क्योंकि क्या है ना आप जानते हो मैं कस नहीं पाती हूँ, तो मैं गाजर बहुत छोटी छोटी लाती हूँ। गाजर काटते समय कैमरा बंद हो गया तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। उसके बाद वो पीस के गरम घी में डाला और इसको हल्का सा मैंने भूना है कि अभी इसमें दूध नहीं पड़ा है और मीठा भी नहीं है, इसलिए उसको ज़्यादा भूनने का उचित नहीं बनता है। तो मैंने हल्का सा भूना है और उसके बाद उसमें मैंने दूध डाला। ये गाजर जो है करीब 250 ग्राम है मित्रों, और इसमें करीब मैंने 300 ग्राम यानी 250-300 ग्राम उतना ही अंदाज से दूध डाला है। कि दूध जो है ना मित्रों, वो जितनी गाजर उतना डालने से क्या है, गाजर का हलवा उसमें दूध अच्छे से मिल जाता है, तो अच्छे से मतलब स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी होता और ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार ये दूध डाल के उसको मैंने चलाया और उसके बाद धीरे धीरे वो चलता रहा। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने उसमें बूरा डाल दिया, जब दूध कम हो गया तो यानी कि गाढ़ा हो गया तो बूरा डाल दिया। उसके बाद उसको चलाया थोड़ा, क्योंकि बूरा यदि डालने के बाद ही थोड़ा सा दूध है नहीं चलाएंगे तो कभी कभी फट जाता है। आप मीठे के रूप में चीनी डालते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, पर गुड़ वाले हलवा मैंने कम बनते देखा है, चीनी वाला या ज़्यादा देखा है, तो मैं बूरा डालती हूँ, चीनी नहीं प्रयोग करती, मिश्री भी डाल सकते हैं। उसके बाद इलायची कूटी मित्रों। इलायची जो स्वाद तो बढ़ाती है, ऊपर से थोड़ी ठंडी होती है, तो गर्मी की ऋतु में तो ठंडी होती है लेकिन सर्दी की ऋतु में भी कभी कभी पेट गड़बड़ होता है, या फिर कहें कि कभी ये पानी कम पीने से पेट गड़बड़ होता है तो उसमें भी समस्या होती है। तो इलायची आपको अच्छी रहती है, इलायची आप यदि 2-3 दिन में खा लेंगे कभी कभी तो आपके लिए पोषक रहेगी। इलायची डालने के बाद उसको मैंने अच्छे से चलाया और मित्रों आप देख सकते हैं कि कढ़ाई जो है ना वो हलवा छोड़ चुकी है, यानी कि इस प्रकार हमारा गाजर का हलवा बन के तैयार होता है। और 4:30 बजे हमने ये भोजन लिया, क्योंकि हमारा जो अभी आजकल चल रहा है 16 घंटे फास्टिंग चल रहा है, तो इस प्रकार आज का हमारा भोजन संपन्न हुआ। तो भोजन जो है ना मित्रों हमारे लिए शरीर के लिए आवश्यक है, तो पौष्टिक होना चाहिए, स्वादिष्ट भी होना चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।